तुम अब भी कुछ नहीं बोलो, चुप रहो। मैं तुम्हारे सामने जहर पी के अपनी जान दे रही, लेकिन तुम कुछ नहीं बोलो। प्लीज कह दो तुम मेरे कुंसरना और रॉकी सिंह ने रोक लो मुझे जहर पीने से। ट्विंकल, है तू की कह रही है? रॉकी कुंज कैसे हो सकता है? बेबे ये कुंजी जो हमसे अपनी पहचान छुपाता रहा, लेकिन मैं इसे पहचान गई। कह दीजिए इसे कि अपने मुंह से एक्सेप्ट कर ले कि हमारा कुंज। ट्विंकल क्या हो गया है तुम्हें जो अजी में आए बोले जा रही हो? मम्मी जी मैं बिल्कुल सच कह रही, आप इसे कहिए कि अपने मुंह से कबूल करे कि हमारा कुंज है, वरना बाबा जी दी ये जहर पी के अभी इसी वक्त अपनी जान दे दूं। ट्विंकल तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? आई एम रॉकी, रॉकी सिंह द बॉक्सर, नॉट अ कुंज। और वो तो कपड़ा बेबे उषा आंटी, आप प्लीज इसे समझाइए। अरे ट्विंकल तुम पागल हो गई है, क्या करने जा रही है? इसका मतलब तुम अब भी सच नहीं बोलो? ट्विंकल मैं सच ही तो कह रहा हूँ, आई एम रॉकी, आई थिंक तुम्हें साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। सीरियसली अगर तुम मुझसे प्यार करते होगे, जरा सा भी प्यार होगा ना तुम्हारी आंखों में मेरे लिए, तो तुम मुझे ये जहर नहीं पीने दोगे कुछ। ये लड़ाई मेरे और कुंज के बीच, अगर किसी ने भी आगे आने की कोशिश की ना तो मैं ये पॉइजन पी लूंगी। नहीं ट्विंकल, ट्विंकल, नहीं ट्विंकल, तूने जहर क्यों पिया? क्यों पिया जहर? और ये रॉकी कुछ नहीं पुत्र है, नहीं हो सकता, ये क्या बोल रही है तू? प्लीज साइलेंस, आप लोग आवाज मत कीजिए, पेशेंट को डिस्टर्ब हो रहा है। मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगे, मुझे देखे बिना तुमसे रहा नहीं जाएगा।
I don't believe this. इतना कुछ होने के बाद भी तुमने वही रट लगा रखी। I mean, किस लैंग्वेज में समझाओ तुम्हें कि मैं कुंज नहीं हूं? और मैं इसलिए आया हूं क्योंकि I'm a decent guy. तुम मेरी वेडिंग प्लानर, तुम्हारा हाल चाल पूछने आया। इंसानियत के नाते इतना तो बनता है। अब भी नहीं बोलोगे? अब भी चुप रहोगे? ठीक, तो अब तुम देखो कि मैं क्या करती हूँ तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाने। तुम्हें जो करना है करो, I don't care. मैं भी देखता हूं कि तुम ये बात कैसे साबित करती हो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, विकी कैसी है? शी इज फाइन, बट अभी हमने उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। एक्सक्यूज मी, रब जाने ट्विंकल को क्या हो गया था। कल पार्टी में कितनी बहकी बहकी बातें कर रही थी, पता नहीं उसने ऐसा वड्डा कदम क्यों उठाया। देखिए, मुझे आप लोगों के फैमिली मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बट बोलो। आई थिंक ट्विंकल को एक अच्छे साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। साइकेट्रिस्ट? प्लीज ये मत सोचे कि मैं उसे पागल कह रहा हूँ, बट पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब सा बिहेव कर रही। कल तो उसने हद ही कर दी, बिना बात के पॉइजन पी ली। इनफैक्ट कल जब मैं उसे मिलने आया था तो भी बार बार कुंज कुंज ही कह रही थी। आई थिंक अभी तक वो अपने हस्बैंड कुंज के डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाई है, शायद इसलिए ये सब। हाँ बेटा, मुझे लगता है तुम ठीक कह रहे हो। एक तो वैसे ही ट्विंकल इतना स्ट्रेस रहती है, और से उस रूवी ने उसकी जिंदगी में तो जहर घोल दिया है। आंटी, मैं इस हॉस्पिटल में एक साइकेट्रिस्ट को जानती हूँ, तो आप कहें तो मैं आपको उनसे मिलवा सकती हूँ। हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा, कोई जरूरत नहीं है। ए, रुक। किधर जा रहा है? डॉक्टर कपूर ने पेशेंट के लिए कुछ दवाइयां भेजी। ठीक है, जल्दी आना वो वाले वार्ड में। ट्विंकल, get up. ट्विंकल उठ, हमें यहाँ से निकल। ट्विंकल, 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो पेशेंट के साथ होना चाहिए। सर, आपने भेजा ना अखला को वहाँ पे, तो मैं चाय पीने आ गया। अखला? कौन है ये अखला? Oh no, you idiot! हटो। अच्छा हुआ पेशेंट यहीं पर है, वरना पता नहीं क्या होता। तुम अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझे तुम? चलो, लेट्स गो। यहाँ इस कबर्ड में नीचे वाले ड्रॉर में रखी थी वो फाइल। मिल गई। इसी फाइल में मेरा और कुंज का मैरिज सर्टिफिकेट है, ये देख। इस पे कुंज का थंबप्रिंट है।